8 सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी राज्यसभा से जुड़ी हुई, 10 में से 8 पर बीजेपी की जीत हो गई है। 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत है, तो यूपी की 8 सीटों पर नतीजे आए, जो बीजेपी के कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट जीत गए हैं। और समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि ये 3 उम्मीदवार क्योंकि उतारी थी और 8वीं सीट पर पूरा पेंच फंसा हुआ था, और ऐसे में यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, 8 सीटें यहां पर, जो 8 सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। 10 सीटें थी और उसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, समाजवादी पार्टी के 1 उम्मीदवार की हार हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के 1 प्रत्याशी की हार हुई है राज्यसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश से। जो नतीजे हैं वो यहां पर साफ हो गए हैं पूरी तरह से, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अनुमान पूरी तरह से सटीक साबित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों का वोट हासिल किया, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो 8वीं सीट की जो जीत थी उसको बड़ा आसान बना दिया। बिल्कुल, तो यूपी में 10 राज्यसभा सीटों को लेकर पूरी तरह से साफ हो गई है। 8 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल की, 8 कैंडिडेट ही बीजेपी ने उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट को उतारा था, जिनमें से 1 की हार हुई है। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट ने जीत हासिल की है राज्यसभा चुनाव में, 3रा कैंडिडेट पूर्व ब्यूरोक्रेट आलोक रंजन, उनकी हार। तो बड़ी खबर न्यूज 18 इस वक्त आपको दे रहा है, यूपी के 10 राज्यसभा सीटों को लेकर अब नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी के साथ राजा भैया के 2 विधायक, जिन्होंने एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में वोट कास्ट किया, जिसकी वजह से बीजेपी के 8 कैंडिडेट राज्यसभा सीट पर जीत गए। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट को जीत मिली है, समाजवादी पार्टी का 3रा कैंडिडेट हार गया। 8वें कैंडिडेट जो कि संजय सेठ, बीजेपी ने उन्हें उतारा था चुनाव मैदान में और उन्हें जीत मिल गई, जिसके बाद अब नारेबाजी भी देखने और सुनने को मिल रही है। तो ये हम आप बड़ी खबर, यूपी के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से वोटिंग होनी थी वो वोटिंग हुई, और उसके बाद जब का रिजल्ट सामने आए हैं तो 10 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी के 1 प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं विधान परिषद विधानसभा के बाहर से, जहां पर वोटों की गिनती चल रही थी। हमारे सहयोगी राजीव वहां पर मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी दफ्तर से भी लगातार न्यूज 18 आपको तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर बीजेपी दफ्तर पर तमाम अलग अलग जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और जीत के जश्न की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी थी। जब अब से 1 घंटे पहले न्यूज 18 ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की थी डिप्टी सीएम से, तो उन्होंने कहा था कि आप बधाई दीजिए, हम बधाई स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि जीत तो हमारी तय है। राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। बिल्कुल राजीव, क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से और किस तरीके का उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त राज्यसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन की जीत हुई है। 3रे उम्मीदवार आलोक रंजन राज्यसभा चुनाव हार चुके हैं, आप देख सकते हैं। जिसके बाद, इस ऐलान के बाद यहां पर जो तमाम समर्थक है वो इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मतगणना स्थल से जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी आप देख रहे हैं कि विक्ट्री साइन दिखाकर यहां पर इस बात का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम लोग आरपीएफ सिंह के साथ। अरे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और यह जीत तय करता है कि आने वाला 2024 का चुनाव पूरा भाजपामय होगा और विपक्षियों का सूपड़ा एक बार फिर साफ होगा। आप देख सकते हैं कि चुनाव अधिकारी जेपीएस राठौर इस वक्त जो बीजेपी के एजेंट थे, जो काउंटिंग स्थल पर मौजूद थे, वो इस वक्त विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये ऐलान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका लगा है। इस दौरान 3रे उम्मीदवार आलोक रंजन की हार हुई है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम
जो राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं उनके समर्थक इस वक्त नीचे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बड़ा ही हर्ष का विषय है हम सब ब्रजवासियों के लिए। हमारे नेता चौधरी तेजवीर सिंह अभी अभी खबर मिली हमको, वो जीत चुके हैं। हम बहुत ही हर्ष में हैं और देखिए ये 8 सीट 8 × 2 8 × 10 कर लीजिए 80 की 80 सीट लोकसभा में हम जीतने वाले हैं। और अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगाज देखिए, अभी केवल 8 लोकसभा की सीटें हमने जीती हैं। आने वाले समय उत्तर प्रदेश की 82 की 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जीत है और नेता और नियत की जीत है, विकास और विरासत की जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो तमाम यहाँ पर समर्थक है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एक बड़ी जीत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली है। आप देख सकते हैं कि जो विजयी सांसद हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग फूल और माला लेकर पहुंच चुके हैं कि वो जैसे ही अब से कुछ ही देर बाद आधिकारिक घोषणा होगी जीत की वो उन्हें अपने प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कानपुर, 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 कानपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी योगी जी की जीत हुई है और आरपीएन सिंह जी राज्यसभा पहुंच गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये तमाम जो राज्यसभा सदस्य हैं चाहे वो नवीन जैन हो या फिर आरपीएन सिंह हो, तेजवीर सिंह हो, संगीता बलवंत हो, जो बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार हैं जिनकी जीत हुई है उनके समर्थक आप देख सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा में अपने विजयी उम्मीदवारों के स्वागत करने के लिए फूल और मालाओं के साथ नीचे पहुंचे हैं और लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां से आए हैं सर? कुशीनगर, सहारनपुर से आए आरपीएन सिंह के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, उनके भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की जीत है और यह उनके विकास और विरासत वाले सिद्धांत की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नेता और नियत की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 400 पार अब की बार, 400 पार अब की बार, 400 पार। भाई साहब आगरा के महापौर पूर्व नवीन जैन जी भाई साहब को जो छोटे से कार्यकर्ता को इस सांसद सीट पर बैठाया, धन्यवाद। राजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव वहां पर मौजूद समर्थकों से बातचीत भी कर रहे हैं जो अलग अलग कैंडिडेट्स के समर्थन में यहां पर आए हुए हैं। राजीव हमने देखा आरपीएन सिंह के समर्थन में जो लोग पहुंचे हुए कानपुर से, जो मथुरा से पहुंचे हुए सभी उत्साहित है। जाहिर सी बात है इनके लिए मौका ही उत्साह का है। अब यहां से क्या, यहां से बीजेपी दफ्तर जाना है इन सभी को, क्या है आगे की प्लानिंग? अब देखिए अब से कुछ देर बाद इन सभी उम्मीदवारों के जीतने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी और उसके बाद बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर जो अन्य मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, वो इन सभी उम्मीदवारों को लेकर यहां से निकलेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इनके स्वागत के लिए जो तमाम राज्यसभा सदस्यों की आज जीत हुई है वो यहां पर फूल और मालाओं को। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत आज उसको पूरी तरीके से, हाँ निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है, इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारीगण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के
उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी लेकिन? देखिए विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें, आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां हैं, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए हार्दिक बधाई। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, क्या औपचारिक तौर पर अभी ऐलान किया जाएगा, क्या मीडिया को जानकारी दी जाएगी इस परिणाम के बारे में? अब अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा में हैं हम लोग, अब कोई अधिकृत परिणाम अभी नहीं आया है लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सभी अपने सहयोगी दलों के साथ बढ़कर बातचीत करके आठों प्रत्याशी घोषित किए हैं और जो विधानसभा का नंबर है, संख्या बल है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। मुझे विश्वास है कि हम बड़े अंतर से आठों सीटें प्रथम वर्ता के वोटों के आधार पर जीतेंगे और निश्चित रूप से मैं सभी उन सभी अपने साथी सहयोगियों के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने संगठित होकर, हमारे सभी साथी सहयोगी दलों ने संगठित होकर सभी लोगों से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराया। सर, समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है चुनाव में, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब ये निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। हम लोगों को जो लोगों ने जनादेश दिया है, जो विश्वास व्यक्त किया, उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा का गणित, विधानसभा का अंक गणित, विधानसभा में नंबर समाजवादी पार्टी के पास नहीं थे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें परिणामों से भी प्रदर्शित होंगी। जहां तक आक्षेप वाला विषय है, समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर और अनावश्यक प्रकार के आरोप लगाएंगे। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं तो उनकी कुंठा का परिणाम है। राजीव, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बताइए किस तरीके का उत्साह है और औपचारिक तौर पर ऐलान कितनी देर में होने वाला है? अब देखिए अनुपम, अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के 8 उम्मीदवारों और सपा के 2 उम्मीदवारों की जीत का ऐलान औपचारिक रूप से कर दिया जाएगा। अभी कुछ ही देर बाद जो चुनाव के अधिकारी हैं वो इसी तिलक हाल से नीचे उतरकर इस बात की घोषणा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि विधानसभा में जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां पर तमाम जो समर्थक है वो इस वक्त रेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत बड़ा खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है। हमारे जो 8 प्रत्याशी उतरे थे राज्यसभा के लिए वो 8 के 8 जीते हैं। निश्चित ही ये मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व का कारण है कि हमारी पार्टी जीती है। मोदी और योगी जी का जो हमारे देश में और प्रदेश में कमाल चल रहा है उसी के प्रति हमारे जो 8 प्रत्याशी थे बहुत 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 से जीते हैं और आगरा से हमारे नवीन जैन महापौर जो थे वो भी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग योगी मोदी की जो योजनाएं हैं उनको श्रेय दे रहे हैं, उनकी नीतियों को श्रेय दे रहे हैं और यही कारण है कि इस वक्त जो तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिनमें 7 विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। 1 विधायक पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी जो है वो गैर उपस्थित होकर कहीं ना कहीं उन्होंने भी दूसरी तरीके से बीजेपी की मदद की है। इस वक्त हमारे साथ तमाम समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी है? मैं पार्षद आगरा से हूँ। मैं इतनी खुशी है कि छोटे से कार्यकर्ता नवीन जैन को, जो महापौर थे, आगरे का विकास किया, उसको सांसद की सीट पे हिंदुस्तान का नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भजन लाल शर्मा हो या यादव जी हो मुख्यमंत्री, लेकिन जो भाजपा ने कार्यकर्ताओं को उठाकर
बुलाती है, मुझे भी छोटे से कार्यकर्ताओं पार्षद बनाया। हमें बधाई देता हूँ आगरा की जनता की तरफ से मोदी और योगी जी को, ऐसी कार्यकर्ताओं का विकास होता रहे और जय श्री राम का नारा लगता रहे। जय श्री राम। कि आप देख रहे हैं ये वो तमाम समर्थक हैं जो अपने अपने उम्मीदवार के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए यहाँ पहुँचे। 8 सांसद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि 2024 में 8-0 लगेगी और 80 के 80 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता चुन करके भेजेगी। दूसरी बात, आगरा से जो नवीन जैन जी चुनाव जीते हैं आज, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक आम कार्यकर्ता को जिस तरह से नेता बनाया है, आगरा की तमाम जनता यहाँ मौजूद है और इस बात की खुशी है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को नेता बना सकती है, परिवारवाद नहीं करता। सपा के कई विधायकों ने भी आज बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट किया। भारतीय जनता सपा के जो विधायक हैं उनके कई के दिल मिले थे, कई के दिल मिल गए और उनकी जो जीत करके जो उम्मीद से वो सपा में गए थे, लेकिन सपा बहुत ही ज्यादा उनके स्कूलों पर नहीं चली। उनकी इच्छा थी धर्म के प्रति, वो राष्ट्र के प्रति उनके अंदर समर्पण की भावना थी और भावना केवल भारतीय जनता पार्टी में। जैसा कि आपने सुना है कि ये जो समर्थक हैं इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति भावना के चलते ही बीजेपी उम्मीदवारों का यहाँ पर समर्थन किया है, क्रॉस वोटिंग की है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम समर्थक हैं ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।